आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। कोर्ट में दाखिल मामले सालों से लंबित हैं, कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। इसलिए आम आदमी को राहत देकर समय पर न्याय दिलाना लोक अदालत का आयोजन सुप्रीम कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है। यहां जिला सत्र न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत के उद्घाटन के अवसर पर बोल रही थी। इस अवसर पर प्रथम जिला न्यायाधीश वीरेंद्र केदार, सिविल न्यायाधीश प्रशांत काले अंसारी मैडम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव किरण जाधव उपस्थित थे। कविता अग्रवाल ने कहा, ये साल की आखिरी लोगों की अदालत है। अगस्त से लोगों ने कचहरी लेनी शुरू कर दी थी। उनके अनुसार आज की लोक अदालत इस साल की तीसरी और आखिरी है। हर लोक अदालत में निपटाए जा रहे मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये खुशी की बात है। विशेष रूप से जिला सत्र न्यायालय ने 8 से 10 दिसंबर 2021 तक विशेष अभियान में 525 प्रकरणों का निस्तारण किया। इसमें सभी पक्षों, न्यायविदों, न्यायाधीशों, सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों का सहयोग है। ये पार्टियों की अच्छी समझ के साथ लोगों की अदालत के माध्यम से अधिक मामलों को निपटाने का प्रयास है। पिछली अदालत में 3,558 मामलों का निपटारा किया गया था। आज लोक अदालत में करीब 10,000 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसमें दीवानी, फौजदारी, धारा 138, एनआई अधिनियम, चेक बाउंस, वित्तीय संस्थान, बैंक ऋण वसूली मामले, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा मामले, भूमि अधिग्रहण आवेदन, श्रम कानून के तहत मामले, मकान मालिक किरायेदार विवाद, पारिवारिक विवाद, बिजली अधिनियम के समझौता विवाद, वाहन किराया खरीद जैसे, साथ ही पूर्व मुकदमेबाजी के मामले, पानी के बिल, बिजली के बिल आदि अदालतों में लंबित मामलों को स्थगित करने के लिए मामलों को नेशनल पीपुल्स कोर्ट द्वारा निर्धारित एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। इसके लिए संबंधितों को अपनी भागीदारी दर्ज करनी चाहिए। मुख्य सत्र न्यायाधीश अग्रवाल ने अपील की। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव किरण जाधव ने किया। इस दौरान कोर्ट के जज बड़ी संख्या में मौजूद थे। चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने अब आ गया है केसा। केसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। केसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799-02232। प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षा और विकास आयोग की स्थापना कर दी है। यह आयोग राज्य सरकार के एक प्राधिकरण के रूप में काम करेगा, जो कि राज्य में उच्च शिक्षा का प्रभारी और जिम्मेदार होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आयोग के अध्यक्ष होंगे, जबकि प्रदेश के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत इसके उपाध्यक्ष होंगे। शुक्रवार को राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासन आदेश जारी सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत यह आयोग गठित किया है। इस आयोग के सदस्य के पवार, राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित पवार, राज्य के उद्योगा सुभाष देसाई, राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख, प्रदेश के कौशल्य विकास और उद्यमिता मंत्री नवाब मलिक और उच्च और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री प्राजक्त तानपुरे, विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर को शामिल किया गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आयोग के सदस्य पद के लिए 2 नामचीन उद्योगपतियों, निजी विश्वविद्यालयों के 2 कुलपतियों, 1 शिक्षा विशेषज्ञ, 2 प्राचार्य समेत शिक्षा से जुड़े अन्य लोगों को नामित करेंगे। वहीं विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति को दोनों सदनों से 3-3 सदस्यों को नामित करना होगा। राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति द्वारा नामित सदस्यों के बारे में अलग से आदेश जारी किया जाएगा। आयोग में नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल 5 साल यानी विधानसभा की अवधि तक रहेगा। आयोग की साल भर में कम से कम 2 बैठक आयोजित करनी होगी। आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस आयोग के सदस्य सचिव होंगे। After grand success of 2017 and 2018 show and cash events and MSPM group presents Third Cosmos Universe Beauty and Personality Pageant 2022 Central and North India level Modeling, Dance and Singing Competition Grand Finale on 31st December 2021 Central India's most trusted and authentic show Online and physical audition started Contact for audition and more information 9970302975 भारतीय बौद्ध समाज इसे बाबा साहब अंबेडकर ने 4 मई 1955 को चैरिटी कमिश्नर के पास पंजीकृत कराया था।
द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। उनके महापरिनिर्वाण के बाद पहले अध्यक्ष भैया अम्बेडकर थे। बाद में भारतीय बौद्ध महासभा को दो भागों में विभाजित किया गया था। दो वर्ष तक संस्था के न्यासी अध्यक्ष डॉक्टर पीजी ज्योतिकर, डॉक्टर हरीश रावलिया और चंद्रबोधी पाटिल के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते के साथ एकीकरण को लेकर नियमित बैठकें होती रही। अंत में अक्टूबर 2021 में एकीकरण प्रक्रिया पूरी हुई और एक साथ काम करने का निर्णय लिया गया। साथ ही न्यासियों की बैठक में भीमराव अंबेडकर को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर हरीश रावलिया, चंद्रबोधी पाटिल राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ये समामेलन बौद्ध धर्म के प्रसार को गति देगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म का समन्वय किया जा सकता है और दोस्ती की भावना को मजबूत किया जा सकता है। ये एकीकरण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भारत को बौद्ध बनाने के सपने को साकार करने को गति देगा। साथ ही भारतीय बौद्ध कांग्रेस के एकीकरण के आदर्श पर चलते हुए समता सैनिक दल, राजनीतिक और सामाजिक संगठन मिलकर काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मराठीमध्ये चालेल ना तुम्हाला की ज्याची स्थापना बाबासाहेबांनी केली आणि ह्या संघटनेच्या वतीने ह्याच नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरती त्यांनी धम्मक्रांती केली। आज देशामधली भारतीय बौद्ध महासभा एक प्रस्थापित ज्याला जास्तीत जास्त लोकांचा सपोर्ट आहे बौद्ध धर्मीयांची मातृसंस्था म्हणून ही आज कार्यरत करते। आज 22 राज्यामध्ये भारतीय बौद्ध महासभा कार्यरत आहे आणि ह्या संघटनेमध्ये अनेक वर्षापासूनचे वाद होते ते आता आम्ही मागच्या महिन्यामध्ये मिटवण्यात आले एकत्र। लहान कोर्टापासून अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत आणि त्याच्यामुळे लोकांना काहींचा समज झाला, गैरसमज झाला की फार मोठा ह्याच्यामध्ये गडबडी ह्या संस्थेमध्ये आहे। मैं इस प्रेस कॉन्फरन्स से माध्यम से बताना चाहता हूं काही गडबडी नव्हती। टेक्निकल मुद्द्यावरून वाद होते, आम्ही जरी कोर्टामध्ये असलो तरी आम्ही दोघे जण गप्पा टप्पा मारत होतो। वैचारिक वाद ह्याच्यामध्ये निर्माण झाला तो आम्ही निर्माण नाही झाला तर कोर्टाच्या माध्यमातून हा वैचारिक वाद निर्माण झाला। जेव्हा अध्यक्षपदाचा मुद्दा आला तेव्हा चॅरिटी कमिशनरनी आम्हाला असं सांगितलं 1980s ऐंशीच्या दशकामध्ये की बाबासाहेबांनी लिहिलेली ही घटना ती अध्यक्ष पुढचा अध्यक्ष कसा निवडावा ह्याच्याबद्दल व्हेरी सायलेंट आहे। तिच्यामध्ये संपूर्ण विस्तृत असं कलमामध्ये त्याचा उल्लेख नाही। बाबासाहेबांच्या नंतर ह्या संस्थेचे दुसरे अध्यक्ष भैयासाहेब आंबेडकर झाले आणि तेव्हा देखील असाच वाद होता निर्माण झाला होता, परंतु त्यावेळी त्यांना चॅरिटी कमिशनरनी सांगितलं ठीक आहे हा वाद एवढा मोठा नाही। पण 80s जेव्हा सांगण्यात आलं की बाबासाहेबांची घटना जी भारतीय बौद्ध महासभेची आहे त्याच्यामध्ये एक अक्षर देखील अमेंडमेंट होणार नाही, सुधारणा होणार नाही सुरू झाला। बाबा ह्या सुधारणा केल्या की नाही केल्या ह्याच्यावरून हा वाद सुरू झाला, सुप्रीम कोर्टामध्ये गेला। मुद्दा त्यावेळेला छोटासा होता, बसून जा एकत्र बसून जा सोडवला असता तर अधिक गतिमान ही संस्था आम्हाला करता आली असती। परंतु आता पाटील साहेबांनी आम्हाला समजलं की बाबा ह्या अशा छोट्याशा वादामध्ये पडू नये, एकत्र काम करावं, समाजाचं त्याच्यामुळे नुकसान होईल। जे चित्र समाजामध्ये बौद्ध समाजामध्ये जात आहे की दोन संघटना एका वेळेला काम करतायत, म्हणून आम्ही डिसिजन घेतला की येणाऱ्या काळामध्ये एकत्र काम करायचं। जो मुद्दा होता त्याला बाजूला सरला, चॅरिटी कमिशनरनी जो काय आदेश दिला होता त्या आदेशानुसार आम्ही कार्यरत आहोत, म्हणजे त्याच्यानंतर पण कोर्टाचा अवमान आम्ही केलेला नाही। जे कोर्टाने ज्युरिडिक्शन्समध्ये त्यांनी आदेश दिलेला पारित केलेला आहे त्याप्रमाणे आज आम्ही चाललेलो आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही लोक देशाभरामध्ये अधिक गतिमान ही संस्था कशी करू हे आम्ही विचारतो।
सिच्युएशन देशामध्ये अशी आहे की विषमता आता वाढलेली आहे, प्रचंड संख्येने विषमता वाढलेली आहे. समाजामध्ये नफरत तयार करण्याचं, एक दुसऱ्याला बघण्याची भावना आज दूषित झालेली आहे एका समाजामधून दुसऱ्या समाजामध्ये. जे शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईबच्या ज्या समूह आहेत, समाज आहे, त्यांचं आज धार्मिक परिवर्तन आज मला इथे दिसत आहे. या देशामध्ये परिवर्तनाची लाट आलेली आहे. बुद्धाचा विचार, बाबासाहेबांचे विचार आज त्यांना पटल्यामुळे ते धम्माकडे येत आहे. आणि अशा वेळी संघटनेमध्ये फूट असावी असं आम्हाला वाटत नाही, म्हणून आम्ही एकत्र सगळेजण आलेलो आहोत. हे करत असताना, धम्म परिवर्तन होत असताना, आम्ही कुठल्याही संस्कृतीला, धम्माला जो प्रस्थापित आहे, मेजॉरिटीने आहे, त्याला आम्ही काही आलोचना करत नाही किंवा टीका टिप्पणी करत नाही. किंवा सामाजिक स्वास्थ्य आहे ते आम्ही बिघडवत नाही. तर आम्ही